ये सिगरेट जरूर वही पी रहा है, मतलब अभी वो कॉलेज कंपाउंड में ही है। कहाँ है? ए, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। तो ऐसे भागते हुए क्यों आई? यूं ही आई थी। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। ए भाई, मुझे सिगरेट दो ना, इसके पागलपन के चलते मेरी जान पर बनाई है। देवकी, संभल कर। अच्छा हूँ दीदी। माँ पिताजी कैसे हैं? मुझे पैदा किया ना दीदी, वो भी अच्छे हैं। उनके साथ गप्पे मारने वाला बैच, वो भी अच्छा है। सभी अच्छे हैं दीदी। जीजू नहीं है क्या? अंदर है। तो चलो। अरे यादगिरी, तुम तो तब आए थे जब आंध्रा और तेलंगाना एक ही थे। बहुत दिनों बाद आए हो। और सब बढ़िया ना? सब बढ़िया है ना जीजू, कभी भी आऊँ। अभी तो मेरी तेलंगाना की दीदी, आंध्रा के जीजू, आप दोनों तो एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं ना। इसे कहते हैं प्यार का बंधन। कुछ भी हो जाए, आप लोगों का प्यार तो खत्म नहीं होने वाला ना। सुनिए, मेरा भाई आया है तो उसे पेट भर के खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। तो खिलाओ ना। अरे वाह, दीदी ने कह दिया ना, अब सब कुछ मेरे लिए लेकर आओ। दीदी के हाथ का खाना प्यार से खाऊंगा। ठीक है दीदी, मैं जल्दी से नहा कर आता हूँ। ठीक है। दीदी के लाइफ में आ जाने के बाद जीजू ने अच्छा खासा पैसा कमाया। कौन हो जी? तुम कौन हो? इस घर का मेहमान हूँ मैं। मैं इस गांव का मेहमान हूँ। यहाँ क्यों आए हो? कृष्ण वेनी मेरी दीदी है। तो फिर तुम मेरे छोटे भाई हो। मेरे भैया आंध्रा में भी हैं। आंध्रा वाले भैया, क्यों आए हो यहाँ पर? स्वादिष्ट खाने की खुशबू गाँव के सीमा तक पहुँचती है। एक बार स्वाद चख के तारीफ करने आया। अच्छा, आप यहीं पर रुकिए। अपने ही बच्चे, अपने ही बच्चे। हाथी के बच्चे की तरह लग रहा है। दीदी, दीदी आ रही हूँ। तुम्हारे फैंस हैं, खाना खा के तुम्हारी तारीफ करने आए हैं। देखो भाई, ना गलती से भी अंदर मत आने देना। क्या बात कर रहे हो जीजू, शत्रु भी अगर हमारे घर पे आ जाए तो हमारी फैमिली उसकी खातिरदारी करती है। ऐसे में गांव के मेहमान हमारे घर पर आए हैं, आप उन्हें अंदर आने से मना कैसे कर सकते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो भैया? दीदी ऐसे बात करोगे तो कैसे चलेगा? खातिरदारी करना ही हमारे घर की परंपरा है। पता कुछ नहीं, फिर भी बोलते रहते हो, आने दो ना। अरे वाह मेरे अच्छे जीजू, अंदर वाले भैया आइए। और हाँ छोटे हाथी, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बैठते हैं खाने के लिए। मैं आया हूँ इसलिए मेरी दीदी ने सब कुछ बनाया है। चिकन, मटन, रोटी, मछली, अंडे, सब कुछ। अरे शर्माना मत, लोगों को खिलाना हमारे घर की परंपरा है। भैया इतना सा खाना खाने के लिए आप इतनी दूर से आए हो? मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूँ, तारीफ करने के लिए आया हूँ। मेरा मुंह क्या देख रहा खाना?
खाओ खाओ। अरे 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 ये ऐसे ही खाएगा, पर तुम आराम से नीटली धीरे से बिना किसी शर्म से खाओ। सब खा लिया यार, कुछ भी नहीं छोड़ा। खिलाने के लिए शुक्रिया। भाई और कुछ नहीं है क्या? और कुछ नहीं है क्या? और क्या होगा, और क्या होगा? अरे मुझे खा ले, खा ले मुझे। अरे अरे चोट तो नहीं लगी? साले साहब मजा आया ना? अतिथि देवो भव। ए गांव की जरूरत के लिए पैसा लिया था सर, लौटा दूंगा जल्दी ही। मेरे जैसे से लेने से पहले सोचना चाहिए। ए गाड़ी में बिठाओ इसे। ए भिक्षापति, तेरी इतनी हिम्मत मेरे गांव में आकर मेरे गांव के लोगों पर हाथ उठाता है? जब तुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो मुझे कितना आता होगा। हर चीज का एक तरीका होता है, ये कौन सा तरीका है? तुझे कितनी बार बोला था कि इस गांव के लोगों को फाइनेंस मत देना? तू परमिशन देने वाला अपने आप को सरकार समझता है क्या? चल जाए यहां से। रुको तुम लोग। ए दोबारा इस गांव की तरफ या फिर यहाँ के लोगों की जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मार दूंगा। चल निकल। मैं कौन हूँ दिखाता हूँ तुझे। उम्र में इतने बड़े इंसान को मार रहे हो, तुझमें अकल है क्या? ए, इसने जो कर दिया तेरा बाप भरेगा क्या? जाके इसे मार डालो तुम लोग। हुआ है
फाइनल में सिर्फ एक देवरकोंडा का रहने वाला विजय। देवरकोंडा का विजय। ऐसा लग रहा है कि ये प्रतियोगिता को जीत कर ट्रॉफी हासिल कर लेगा। क्या बात है? देखा क्या विजय को अपनी ताकतवर बाजुओं से लोहे के गोले को उठा रहा है। देवरकुंडा गांव के लोगों को बहुत गर्व हो रहा है। विजय सबके लिए एक आदर्श है। नमस्ते। क्या प्रेसिडेंट जी, आज सुबह सुबह सब यहाँ आ गए? कुछ नहीं, गांव में नए लोग आए हैं, इनके बारे में ही आपसे बात करनी है। क्या बात है? ये नंदूलाल है, ये इसकी बीवी है और ये इसके लोग हैं। ये लोग उत्तर भारत में रहा करते थे, वहाँ बारिश ठीक से नहीं होती थी, जीने का कोई रास्ता नहीं था, अपना घर छोड़ दिया। यहाँ आसपास सबसे पूछ रहे थे कि यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिलेगी। किसी ने आपके बारे में हमारे गाँव के बारे में बता दिया। इंसान एक समय में नई जगह को देखने के लिए या नए लोगों से मिलने के लिए एक प्रांत से दूसरे प्रांत का सफर किया करता है, लेकिन अभी जीने के लिए अपने देश को छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ के ना होते हुए भी ये भी समाज के अंदर के एक इंसान है। रहने के लिए जगह मांग रहे हैं तो हमारे लोगों के बीच में ही इन्हें रहने के लिए जगह। ठीक है, धन्यवाद महाराज। दूर से आए हुए इस फकीर को आपने अपने गांव में रहने की अनुमति दी। आप लोग इतनी जल्दी मुझे स्वीकार कर लेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा। सिर्फ तुम ही नहीं नंदूलाल, इस गांव में रहने वाले 315 परिवार दूसरे प्रांत से आए हुए लोग ही हैं। सबको खाना देके रहने के लिए एक जगह देने वाले महान इंसान हैं हमारे साथ। ठीक है, हमारे गाँव के जो नियम कायदे हैं वो इन्हें बता दो, हमारे अनाज की जगह पे नहीं रहने के लिए कहो। ठीक है, चलते हैं साहब। तुम बहुत खुशनसीब हो नंदूलाल। कॉलेज का टाइम हो रहा है, बेटी रेडी है ना? हाँ हो रही है जी। ये लीजिए कॉफी। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे आपसे हर रोज कहती हूँ, देखने वाले मुझे भुलक्कड़ कहेंगे। मेरा काम मुझे कोई और करने कहता है तो मुझे चिड़ होती है। ये तो बहुत अच्छी बात, बेटी कॉलेज जा रही है, सब तैयार कर दिया, ये पूछ लिया क्या गलत है? अच्छा, जैसे आप रोज तैयारी करते हैं। कॉफी ठंडी हो जाएगी, पी लीजिएगा। आपको कितनी बार बोलूं पापा? क्या हुआ बेटी, भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल गए क्या? मैं अपनी बेटी को देखने के बाद सब भूल जाता हूँ। अरे ठीक है, बताती हूँ। आमतौर पर ये मदर सभी मॉर्निंग में एक घंटा फूड प्रिपरेशन में, इवनिंग में 2 आवर्स सीरियल्स में बिजी होती हैं। वर्क में टेंशन, सीरियल्स में रोने वाले सीन्स के कारण उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। इस बीच में अगर हम जाएंगे तो ऐसा ही होगा ना? ओके, तू मेरी लाडली जो है। जरूर मेरे बारे में ही बात हो रही होगी। मार रही है। ठीक है पापा, संभाल कर जाना। ठीक है। हाय हाय, कहाँ गई?
आपकी बेटी? बस अभी गई हो। चली गई क्या? तुझे क्या है, बत्तीसी दिखा कर हंस रहा है? जल्दी से अपना ग्लास और थाली लेकर खाना देती हूँ। ठीक है मैम साहब। आ गए, मैं दर्द से तड़प रही हूँ। और क्या कर रहे हो तुम, जल्दी चलो। अरे विजय, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। उसका स्टाइल देखा क्या, चला तो ऑटो ही रहा है पर स्टाइल की कोई कमी नहीं है। अरे ठीक से बैठ के चलाना, कुछ उन्हें क्या देख रहा है, आंखें रोड पर रख। अरे जल्दी जल्दी चलाओ ना। अरे उसे ठीक से चलाने लेकर जा रहा है ना, मुंह बंद करके बैठो। अरे सुवर की शक्ल वाले, तू कहीं भी देख उसे, हमें क्या, ऑटो चलाने वाले को सामने देखना चाहिए ना। ये लॉजिक की बात कर रही है, हम बस पहुँच जाएंगे। चालू रख। अरे रोको रोको ऑटो रोको। अरे क्या कर रहे हो तुम, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मैं अब क्या करूं, मेरी बहू को मार डाला। चुपचाप अंदर बैठो, उसका ध्यान रखो, चलो। क्यों रे बहू ने कहीं के, जा 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 अंदर बैठो चलो। अगर उसे कुछ हो गया तो तुझे देख लूंगी, तुझे देखती हूँ। ऊपर वाले की कृपा से किसी दिक्कत के बिना डिलीवरी हो गई। मैंने बेवजह चिल्लाया, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं दादी। हाँ नमस्ते जी, ये देखिए, यही है हमारे कारनामे जी की गुफा। ये छोटे पेट वाले छोटे हैं और ये बड़े पेट वाले बड़े हैं। अरे बाप रे, क्यों ये बड़े जंतु दोपहर में भरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या? अरे रे 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 रे, अरे क्यों भाई, हाथी के सूंड के जैसा उठा रहा है क्या? अरे बाप रे, देखने में मुझे कुछ शक हो रहा है। आपको भी लग रहा होगा ना कि कुछ हो रहा है। ये देखिए छोटे वाले को देखिए, मोटापन पूरा सीध में घुसेड़ रहा है। ये देखिए, ये तो कुछ पेट में छिपा रहा है, ये पेट है कि मटका, चलिए देखते हैं। हाँ बस हुआ। ये बलराम जी हैं, हमारे गांव में सब इन्हें कारनामे जी कहते हैं। और ये जो बगल में खड़े दोनों पेटू, इनके साले हैं। और हाँ, हमारे कारनामे जी की बीबी मरते मरते अपनी ये संपत्ति दोनों मोटो को इनके हाथों में सौंप के चली गई है। ए, इसे क्या कोई सिनेमा समझ लिया है क्या? अंदर जा, जाके नहा ले। हमारे कारनामी जी की एक छोटी सी कहानी है, वो है ये कि गांव वालों की जरूरतों को पता करके ये उन सबको उधार देते हैं। इसमें आचार्य होने की क्या बात है, यही सोच रहे हैं ना, क्योंकि वही दाल में कुछ काला है। हमारे कारनामी जी का दिल बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा दिल है कि दिए गए उधार का कर्ज भी नहीं लेते हैं और उसी तरह असल भी नहीं लेते हैं। इतना सब करने के बाद हमारे कारनामे जी की एक ही आशा है, एक समय का भोजन है। ये साचा भाई, इसी तरह इनके घर में बिना चूल्हे के पूरा साल निकाल देते हैं। ये हमारे कारनामे जी के एक समय के भोजन की बात, और यही है हमारे कारनामे जी की कहानी। कोई फायदा नहीं है, समय कितना हुआ है? वही समय हुआ है जीजा जी। तो खबर पहुँचा दी? कल पहुंचाई, रात को पहुंचाई और अब भी पहुंचाई है। ओहो, सब तैयार है मतलब? हाँ। बस जाने की देरी है। नमस्ते करण जी। नमस्ते कृष्णमूर्ति। आप लोग ऐसे इकट्ठा होकर क्यों आए हो? वो जब हमें पता चला कि आज आपका जन्मदिन है तो हम शुभकामनाएं देने चले आए। बहुत खुशी हुई कृष्णमूर्ति, इस शुभ मौके पर मैं और मेरे साले को भोजन पर बुला रहे हैं क्या? ये क्या जी, अपने जन्मदिन पर आप हमसे ही भोजन मांग रहे हैं? आप ही कुछ स्पेशल दावत देंगे इस आशा से आए हैं हम लोग। दिमाग है क्या तेरे पास, कहाँ आके क्या बात कर रहा है? इन दोनों को देख रहे हो ना तुम लोग, हम दूसरों के घर पे जाके भोजन कर सकते हैं पर अपने घर पे बुला के भोजन कराए ये परंपरा नहीं है। हाँ, तुम लोग नए नए रिवाज मत शुरू करो, दोबारा ऐसी बेवकूफी वाली बात मत करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। देखिए वो बात नहीं है, देखो
फिर से तुम बेवजह बात मत करो, पहले से हम भूखे हैं। अरे रहने दो, चलो चलते हैं। अरे राम, उधार चाहिए क्या? क्यों, ताकि अब तुम्हें पाले क्या? अरे बाप रे, कितने समझदार हो गए हैं सबके सब। चलो भाई चलते हैं। गांव के बड़ों का बिल्कुल इज्जत ही नहीं है, इसीलिए सारे गांव बर्बाद हो रहे हैं। हमारा टाइम हो गया ना, चलो। नमस्ते साहब। नमस्कार साहब। नमस्ते। आपने पूरे गांव वालों को बुलाया था क्या? हाँ, इस बार खेती ठीक ना होने की वजह से नुकसान हुआ है। दोबारा कर्ज लेने के लिए माइक्रो फाइनेंसियर भिक्षापति के पास जा रहे हैं, ऐसा पता चला है। वो वैसे भी पैसों के लालची इंसान है। वो भिक्षापति छोटे अमाउंट के लिए भी जमीन गिरवी रखे बिना कर्जा नहीं देता है। ऐसे में आपके पास जो छोटी सी जमीन है उसे भी आप गिरवी रख दोगे तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी? क्या करें साहब, 6 महीने मेहनत करके हम सब ने खेती की, अब जब फसल काटने का समय आ गया तो बेचने का दाम देखा तो दोबारा खेती करने के लिए कर्ज के सिवा कोई रास्ता नहीं। 2 महीने में बेटी की शादी है साहब, 2-3 लाख तक खर्च हो जाएगा। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। कर्जा लिए बिना शादी कैसे होगी? घर पर कमाने वाला अकेला मैं ही हूँ, पूरे घर वालों को पालना है, ऊपर से माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, कर्जा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं तुम सबका दुख समझता हूँ, हालात खराब होते हैं तो लोगों को कर्ज लेना ही पड़ता है। तो फिर क्या जा करके शेर के मुंह में हाथ डाल दोगे? वो भिक्षापति कैसा इंसान है पता है ना? पिछले महीने पास के गांव में एक आदमी ने 10,000 रुपए का ब्याज नहीं भरा था तो 1 लाख की कीमत वाली जमीन को उसने हड़प लिया था। अगर सीधी बात करूं तो रामापुरम में एक इंसान के घर जाके उसकी बीवी और बेटी को उठाकर ले गया और उनसे गंदा काम करवा रहा। अरे बाप रे बाप, ये तो कितना बड़ा दुष्ट है। लिया गया कर्ज लौटाया नहीं तो धंधा करवाता है क्या? जो उसकी धमकी से नहीं डरता है वो उसे मार देता है। ऐसे इंसान के पास पैसे लेने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते क्या? आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए, कुछ तो सलाह दीजिए। उसी बारे में मैंने सोचा है, एक काम करते हैं। गुरु फाइनेंस सेंटर, ये एक स्कीम है, मतलब हमारे गांव की जनता में से बड़े जो कोई भी दे सकता है उनसे बात करके मैं 10 लाख का फंड का इंतजाम करूंगा। उसके लिए मैं खुद 5 लाख जमा कर रहा हूँ। उस 15 लाख के फंड को हम एक भरोसेमंद व्यक्ति के द्वारा कम ब्याज पर तुम्हें कर्जा देने का मैं इंतजाम करूंगा। मैं जल्दी वो पैसा जमा करके कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आप हमारे लिए भगवान हो साहब। इतनी बड़ी बात मत कहो, अब आप जा सकते हो। चलो बेटे। करणम जी, हाँ, आप भी जितना हो सके उतना गांव की मदद करने के लिए कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, हमें लेते हुए देखा है, देते हुए कभी देखा है क्या? हमारे दादाजी के समय से ऐसा कभी नहीं हुआ है। नया रिवाज शुरू मत करो। नमस्ते सीताराम जी। हाँ गोपाल, आ जाओ। हाँ आओ बैठो। कैसे आना हुआ तुम्हारा? पड़ोस के गाँव में कवरेज करने के लिए आया था तो मैंने सोचा की आपसे भी मुलाकात करता चलूं। अच्छा पापा, पहले चाचा को दो बेटी। थैंक यू बेटा। ठीक है, थैंक यू। रिपोर्टर के तौर पर तुम इस मंडल की समस्या को गवर्नमेंट की नजर तक पहुंचा रहे हो तो मुझे सच में बहुत खुशी हो रही। तो हमारे गांव के कुएं की समस्या का क्या हुआ? अगले हफ्ते कलेक्टर जी से मीटिंग है, उसी बारे में याद दिलाने आया हूँ। जब कलेक्टर जी से मिलोगे तभी उन्हें समस्या समझा के उनसे इस समस्या का हल निकलवाओ। गांव की जनता पानी के लिए बहुत परेशान हो रही है, अगर ये समस्या हल होगी तो सबका भला होगा। ठीक है जी, चलता हूँ। ठीक है। कैसे हो गोपाल? अच्छा हूँ माँ जी। अच्छा चलता हूँ। ठीक है गोपाल, समझ गया। ठीक, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है जी। आइए आइए, देवर कुंडा टू मामी डारा। गांव भर घूमे बिना जल्दी से टिफिन दे देना, समझा? जा बोना कहीं का। क्यों प्रेसिडेंट जी, मस्त टिप टॉप होकर आए हैं। मार्केट में कोई नई सेटिंग है क्या? क्या सेटिंग सेटिंग करता है बटला कहीं का, क्या बकवास करता है? तरह हूं। क्यों क्यों, कोई मैटर नहीं है क्या? मुझे जब देखो तो बटला बुलाते रहते हो। बेवकूफ कहीं का। अरे विजय, अर्जेंटली शहर जाना है, ऑटो निकालो। ऑटो फुल होने से पहले मैं चल नहीं सकता। ए, वर्क्स इंस्पेक्टर के साथ अर्जेंट मीटिंग है, हाँ, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी गाड़ी निकालो।
मैटर क्या ये बता भाई, कानून अपना काम करने जा रहा है बस। तू अपना मुंह बंद रख। अरे अर्जेंट काम है इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गाड़ी निकाल ना बेटा। चुप करना। अरे बेटा अर्जेंट काम है, क्यों इतनी जिद कर रहे हो, 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। हाँ बेटी, आपको कोई अर्जेंट काम है क्या? हाँ, मेरी साइकिल ले लीजिए। तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारा भी दिल बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन तुम कॉलेज कैसे जाओगी? कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, मैं फ्रेंड्स के साथ चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, बैग ले लो, तुमको तो देख लूंगा, मेरा भी टाइम आएगा। चल जल्दी बैठ। उतरिए। क्यों रे विजय, तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, ऊपर से गांव का प्रेसिडेंट हूँ, इतनी बार कहने पर भी नहीं आया ना? मेरा भी टाइम जरूर आएगा, देख लूंगा तब तुझे। अरे क्या देख लेंगे आप, आपके बुलाने से भागता हुआ आऊं? कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है मेरी ऑटो, दिस इज माई ओन प्रॉपर्टी। हाँ वर्क्स इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, आ रहा हूँ। हाँ अरे मुझे अर्जेंट काम है इसलिए जा रहा हूँ, तुझे मैं बाद में देख लूंगा, ये लो बेटा। चलो वो भी देख लेंगे। देख लूंगा, जाओ जाओ। देख लूंगा। ए, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए ऑटो, तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर आ। अरे आना। ए तेरे गाड़ी को छीन लिया। इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो मुझे, आंखें बड़ी मत करो, निकल कर बाहर आ जाएंगी। आ गए तुम, भूख के मारे मरा जा रहा हूं मैं, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ना। जितना तू देता उसमें जल्दी आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जो दिया है उसी में खुश हो जा। ठीक है भाई, पेट आवाज दे रहा है, ला दे। ये ले। सुन, तूने उसे सिर्फ कॉलेज में देखा है, मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ और सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, समझ गया? वो मेरी नहीं है। अगर तूने दोबारा ऐसा बोला तो तुझे इतना मारूंगा कि तू अपना नाम लेना भी भूल जाएगा। क्यों ये इतना याद आ रहा है? एक बार देख के आऊं क्या? एक बार देख आऊं क्या? क्या हुआ बेटी, अभी तक सोई नहीं तू?
इतनी देर क्यों हो गई जी? पंचायत का काम था तो थोड़ा लेट पापा, हो गया। क्या है? वो बोल ना। एक नोटबुक सुमति के पास रह गई है, जाकर ले आऊं क्या? इस वक्त कहाँ जाओगी? अभी क्यों बेटी? कल एग्जाम है पापा। सुबैया एक काम करो बेटी, सुबैया को साथ में ले जाओ और ले आओ। ठीक है पापा। ओके ठीक है बेटी। थैंक यू पापा। संभल के आइए मैम साहब, आइए। संभल के चलिए मैम साहब। देवकी मैम साहब, आप वहां पर क्या कर रही हो? वो विजय का घर है, आपकी सहेली का घर इस तरफ है। है ना? हाँ। मैं भूल ही गई थी। चलिए मैम साहब चलते हैं। ये पायल तो शायद से कहीं देखा है मैंने, किसकी हो सकती है? अरे विजय, रात में देवकी मैम साहब इस तरफ आई थी, उनकी पायल कहीं खो गई है, तुम्हें मिली क्या? वो तो कह रही थी कि यहीं पर कहीं गिरा होगा। अच्छा सुनो, वो पायल अगर तुम्हें मिलती है तो लाकर पहुंचा देना, समझ गए? इसका मतलब वो रात को आई थी। यस Yes. अरे अरे क्या हुआ? हा? कुछ नहीं माँ। हे विजय, काकी नाना में एक छोटा सा काम है, 500 रुपया दूंगा, चलना। रविवार ऑटो का हॉलीडे, आज नहीं जा पाऊंगा, जाओ। हाँ बिल्कुल भाई, आज तो कॉलेज की छुट्टी भी है। ऑटो चलाने वाले को किस बात की छुट्टी है? तेरा कोई गवर्नमेंट जॉब है क्या? जाएगा तो 500 रुपया मिलेगा, जा। ओ मेरी माँ, चुप हो जा माँ। इनका सपोर्ट कर रही हो तुम? संडे का मतलब छुट्टी ही होती है। जिद्दी है, किसी की नहीं सुनता। तुम्हारा संडे है या कॉलेज की छुट्टी है? एक दुगा कान के नीचे, दोबारा बोला ना तो इसी ऑटो के नीचे घुसेड़ के तेरी छुट्टी कर दूंगा मैं। ये बात नहीं है यार, मेरी बात का मतलब समझो। चुप कर, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा, जाओ आप लोग। क्या अजीब आदमी है। अरे भाई, वो लड़के अपनी फ्रेंड्स के साथ मामी बाड़ा शॉपिंग करने गई है। ऐसी बात बताई तो गिफ्ट देनी चाहिए, तुमने झापड़ मार दी। इतना लेट क्यों बताया मुझे? कहाँ जा रहा है? वहाँ सवारी मेरा वेट कर रही है माँ, और वैसे भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब नहीं करता हूँ माँ, काम करूंगा तो 1000 रुपए कमाऊंगा आज। चला जा बैठ जा। आराम से चलाना। इसे कुछ हो गया है क्या? एक्सक्यूज मी भाई, एक बार उठा। ऐसे नहीं यार, बाहुबली में शिवगामी देवी ने उठाया था ना वैसा उठा। क्या चाहिए सर? मुझे और मेरे फ्रेंड को लिप टू लिप किस दोगी क्या? ये कपड़ों की शॉप है, यहाँ किस नहीं मिलती। तू बाज नहीं आएगा ना? इसने झापड़ क्यों मारा भाई? मैंने सोचा किस माऊंगा तो देगी। मेरी वाली कहाँ है? मुझे क्या पता। बाप रे, ये तो लेडीज कॉर्नर है। चल यहाँ से। जरूरत नहीं है। तुम ऊपर जाकर ट्राई करो, मैं यहाँ पर शॉपिंग करता हूँ। ओके ठीक है। ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अरे वाह, कितने कलर्स हैं आंटी। हाँ? ये सब पैक कर दीजिए। किसके लिए चाहिए? मेरे ब्रदर्स के लिए। तुम्हारे ब्रदर्स साड़ियाँ पहनते हैं क्या? तुम्हारे गांव में नहीं पहनते? चलो चलो। हाँ ये कलर अच्छा लगेगा, ये भी बहुत अच्छा है। देखो तो, देखो कौन है। शॉपिंग करने आया होगा। ये यहाँ क्यों आया है? पलट 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 गई। ए चलना, चलते हैं।
ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। रात को मछली को ज्यादा ही खा ली, अब सुबह से पेट आवाज कर रहा है। कौन हो तुम? कौन हो? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ तो बताती क्यों नहीं? इधर आ। मैं नहीं आऊंगा। आखिर हो कौन तुम? तेरे डर से जो आ रहा था वो भी रुक गया यार। तो फिर मैं खुद आती हूँ वहाँ पर। अरे चुप करो, भूत तो सफेद साड़ी पहन के आती है और तुम तो एकदम कलरफुल साड़ी पहन के आई हो। तुम भूत नहीं हो सकती, पता है मुझे। ए आना रे। मैं नहीं आने वाला। अरे बाप रे भूत। तो फिर मैं खुद आती हूँ। रुक जा। ए रुक, कहाँ भागता है? हाँ कोई नहीं है। सरोजा, सरोजा कहाँ हो तुम? ये यहाँ क्या कर रहा है? इतनी रात सरोजा दूसरे के घर में ताव झक कर रही है। अरे आओ ना बाहर, कुछ तो करना पड़ेगा। सरोजा कहाँ हो, जल्दी आओ। अब समझ में आया। अरे बाहर आओ ना। वासु दुबई चला गया है तो उसकी गैर हाजिरी में उसकी बीवी के साथ ताका झाकी कर रहा है ये। इसको तो सबक सिखाता हूँ मैं। शरारती कहीं की, मैंने इसे यहाँ से बुलाया तो यहाँ से आ रही है। रुको अभी आता हूँ। ये क्या है सरोजा? हमेशा ब्रेड के टुकड़े की तरह तुम सॉफ्ट रहती थी, लेकिन आज तो तुम बिल्कुल लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग लग रही हो। आजकल मैं सिक्स पैक्स बना रही हूँ ना, इसलिए। सिक्स पैक? वो तो मर्द लोग बनाते हैं। अभी किसी और मर्द की बात मत करो ना। हर रोज कोई देख लेगा इस डर से। 2020 मैच खेल रहा था, आज तुम्हारे साथ मैं टेस्ट मैच खेलूंगा। हाँ तो शुरू हो जाओ। मैं तो कब से तैयार हूँ। यहाँ आओ ना। मच्छर बदबू आ रही है। सरोजा, 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 क्या कर रही हो? अरे T20 खेल लो। T20 मैं बच जाऊंगा। अरे अरे मुझे लग रहा है। अरे क्या कर रहे हो सरोजा? T20 के मारो मत मेरे साथ। मुझे हाथ लगा रहा है। दोबारा सरोजा के पास आने से पहले 10 बार सोचेगा ये इसकी तो। एक काम करता हूँ, इसके पैरों में पायल खुद ही पहना देता हूँ। चुप क्या क्या, तुझे बताती हूँ रुक। लेट क्यों हो गया? वो काम पर थोड़े वर्कर से लफड़ा कर रहे थे इसलिए। ठीक है, पहले कुछ ऑर्डर कर। ठीक है सर। वेटर बोलिए सर। देखो सर के लिए एक लार्ज पैक बना कर ले आओ जल्दी से, समझ गए? ठीक। सब कुछ लेकर आओ। ओके सर। और तेरे लिए? उसे पता है सर, लेकर आ जा। जितना बोला था उतना लेके आया ना? हो नहीं पाया सर, मेरे पास जितना पैसा था उतना खर्चा हो गया। मेरा हाल बहुत बुरा है सर। क्यों, तेरी जायदाद मांग ली थी क्या? पूरे 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया तुझे, उसमें से 2% मेरा और 5% मेरे ऑफिसर का। अब तुझे देने को बोल रहा हूँ तो बहाना बना रहा है? किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट का काम हो, गवर्नमेंट से अमाउंट रिलीज करवाने के लिए हम जैसे लोगों को कुछ देना ही पड़ता है। तुझे पता नहीं था क्या? नहीं देगा तो पूरे 1 साल तक ऑफिस का चक्कर लगाता रहेगा। हाथ में जितना पैसा था पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा कर दिया सर। घर की औरतों के जेवर भी गिरवी रख दिए हैं। आप मानेंगे नहीं, 1 पैसा भी उधार नहीं मिल रहा। मुझे बहाना नहीं चाहिए। चलिए तो बिल पास करवा के जो पैसा मिलेगा उसमें आप अपना हिस्सा ले लीजिएगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे जो बोलना था बोल दिया, आगे जैसी तेरी मर्जी।
नमस्ते साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ क्यों आई? माँ नहीं है क्या? अब देख लिया ना मुझे, चलो यहाँ आओ। कुछ पूछना था आपको? सीताराम जी, एक बार और सोच लीजिए, मार्केट रेट से ज्यादा दूंगा। अगर आप डबल भी देंगे ना तो भी साहब अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। साहब के पास कहीं 100 एकड़ जमीन भी होगी तो भी ये 5 एकड़ की जमीन बहुत प्यारी है इन्हें। जानते हो क्यों? ठीक 20 साल पहले इनकी बेटी के जन्मदिन पर साहब ने ये जमीन खरीदी थी। तब से अब तक इस जमीन पर जो भी फसल होती है उसमें से आधी भगवान को जाती है और बची हुई त्योहार, फंक्शन, गरीबों को अन्नदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये 5 एकड़ जमीन ये किसी को नहीं बेचेंगे, भूल जाओ इसके बारे में। इतना ज्यादा प्यार होगा जो लाखों की फसल ऐसे ही फ्री में दे रहे हैं। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बेटी के लिए जान भी दे दूंगा। हमारे साहब का प्यार आपको समझ नहीं आएगा, आप जाओ यहाँ से। चलता हूँ सर। ठीक है, लाइए। कॉलेज जा रही हूँ पापा। बाय। ठीक है बेटी, संभल के। बाय चाचा जी। ठीक है बेटा। अभी वो कॉलेज कंपाउंड में ही है। कहाँ है? ए, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। तो ऐसे भागते हुए क्यों आई? यूं ही आई थी। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। ए भाई, मुझे सिगरेट दो ना, इसके पागलपन के चलते मेरी जान पर बनाई है। मुझे पैदा किया ना दीदी, वो भी अच्छे हैं। उनके साथ गप्पे मारने वाला बैच, वो भी अच्छा है। सभी अच्छे हैं दीदी। जीजू नहीं है क्या? अंदर है। तो चलो। ना 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 ना। अरे यादगिरी, तुम तो तब आए थे जब आंध्रा और तेलंगाना एक ही थे। बहुत दिनों बाद आए हो। और सब बढ़िया ना? सब बढ़िया है ना जीजू, कभी भी आऊँ। अभी तो मेरी तेलंगाना की दीदी, आंध्रा के जीजू, आप दोनों तो एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं ना। इसे कहते हैं प्यार का बंधन। कुछ भी हो जाए, आप लोगों का प्यार तो खत्म नहीं होने वाला ना। सुनिए, मेरा भाई आया है तो उसे पेट भर के खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। तो खिलाओ ना। अरे वाह, दीदी ने कह दिया ना, अब सब कुछ मेरे लिए लेकर आओ। दीदी के हाथ का खाना प्यार से खाऊंगा। ठीक है दीदी, मैं जल्दी से नहा कर आता हूँ। ठीक है। दीदी के लाइफ में आ जाने के बाद जीजू ने अच्छा खासा पैसा कमाया। कौन हो जी?
तुम कौन हो? इस घर का मेहमान हूँ मैं। मैं इस गांव का मेहमान हूँ। यहाँ क्यों आए हो? कृष्ण वेनी मेरी दीदी है। तो फिर तुम मेरे छोटे भाई हो। मेरे भैया आंध्रा में भी हैं। आंध्रा वाले भैया क्यों आए हो यहाँ पर? स्वादिष्ट खाने की खुशबू गांव के सीमा तक पहुँचती है। एक बार स्वाद चख के तारीफ करने आया। अच्छा, आप यहीं पर रुकिए। अपने ही बच्चे, अपने ही बच्चे। हाथी के बच्चे की तरह लग रहे हैं। दीदी दीदी आ रही हूँ। तुम्हारे फैंस हैं, खाना खा के तुम्हारी तारीफ करने आए हैं। देखो भाई, ना गलती से भी अंदर मत आने देना। क्या बात कर रहे हो जीजू? शत्रु भी अगर हमारे घर पे आ जाए तो हमारी फैमिली उसकी खातिरदारी करती है। ऐसे में गांव के मेहमान हमारे घर पर आए हैं, आप उन्हें अंदर आने से मना कैसे कर सकते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो भैया? दीदी ऐसे बात करोगे तो कैसे चलेगा? खातिरदारी करना ही हमारे घर की परंपरा है। पता कुछ नहीं फिर भी बोलते रहते हो, आने दो ना। अरे वाह मेरे अच्छे जीजू, अंदर वाले भैया आइए। और हाँ छोटे हाथी आ जाओ, तुम भी आ जाओ खाने के लिए। मैं आया हूँ इसलिए मेरी दीदी ने सब कुछ बनाया है। चिकन, मटन, रोटी, मछली, अंडे, सब कुछ। अरे शर्माना मत, लोगों को खिलाना हमारे घर की परंपरा है। भैया इतना सा खाना खाने के लिए आप इतनी दूर से आए हो? मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूँ, तारीफ करने के लिए आया हूँ। मेरा मुँह क्या देख रहा खाना? ऐसे ही खाएगा, पर तुम आराम से, नीटली, धीरे से, बिना किसी शर्म से खाओ। सब खा लिया यार, कुछ भी नहीं छोड़ा। खिलाने के लिए शुक्रिया। भाई और कुछ नहीं है क्या? और कुछ नहीं है क्या? और क्या होगा? और क्या होगा? अरे मुझे खा ले, खा ले मुझे। अरे अरे चोट तो नहीं लगी? साले साहब मजा आया ना? अतिथि देवो भव। गांव की जरूरत के लिए पैसा लिया था सर, लौटा दूंगा जल्दी ही। मेरे जैसे से लेने से पहले सोचना चाहिए। ए, गाड़ी में बिठाओ इसे। ए, भिक्षापति, तेरी इतनी हिम्मत मेरे गांव में आकर मेरे गांव के लोगों पर हाथ उठाता है? जब तुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो मुझे कितना आता होगा। हर चीज का एक तरीका होता है, ये कौन सा तरीका है? तुझे कितनी बार बोला था कि इस गांव के लोगों को फाइनेंस मत देना? तो परमिशन देने वाला अपने आप को सरकार समझता है क्या? चल जाए यहाँ से। रुको तुम लोग। ए, दोबारा इस गांव की तरफ या फिर यहाँ के लोगों की जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मार दूंगा। चल निकल। मैं कौन हूँ दिखाता हूँ तुझे। इतने बड़े इंसान को मार रहे हो, तुझमें अकल है क्या? ए, इसने जो कर दिया तेरा बाप भरेगा क्या? हे, जाके इसे मार डालो तुम लोग। चलो जल्दी, तुम्हें बड़े साहब बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ।
वो किस लिए? मुझे पता नहीं दीदी। पर मुझे क्यों बुलाया उन्होंने? मुझे क्या पता, तुमने कुछ किया होगा इसलिए बुलाया होगा। जब बड़े साहब ने बुलाया है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। क्या किया तूने? पापा मैंने कुछ नहीं किया। तो क्यों बुलाया है? कोई ना कोई गलती तो की होगी ना। अरे जाओ जाओ, पता नहीं किस लिए बुलाया होगा, जा कर आओ। ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। जल्दी आना। क्या बेटी, क्या खबर है? इससे परेशानी हो रही है, फेंक दूं क्या? कोई बात नहीं, आप पीजिए। कॉलेज का टाइम हो रहा है। हाँ? जल्दी आना। सुबह सुबह ऑर्डर्स आ गए हैं। जाओ बेटी, जाओ जाओ। नमस्ते। क्यों भाई, ऑटो स्पीड में क्यों चला रहे हो? पहले वाली स्पीड कम कर दी। बेटी साइकिल नहीं चला पा रही है, थोड़े दिन अपने ऑटो में ले जाकर के उसे घर छोड़ जाना। जी ठीक है, चलती हूँ पापा। ठीक है बेटी, इसे दे दो। दोनों के लिए टिफिन रखा है। जी। कॉलेज खत्म होने तक वहीं पर रहना, यहाँ वहाँ मत जाना। अच्छा ठीक है, संभाल कर ले जाना। अरे क्यों, क्या हो रहा है? तो कहते थे कि मेरी बेटी पढ़ने जाती है, हमें खेतों के बीच में मिली, रिक्शे वाले से प्यार का पाठ पढ़ रही थी। यही पढ़ने जाती है तुम्हारी बेटी? इकलौती बेटी हो इसलिए तुमने इतनी छूट दी? कॉलेज जाने के बहाने ये सब कर रही हो? हमारी इज्जत सरे आम नीलाम कर दी, इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए थी। माँ मेरी जी तो चल। लड़की चाहिए क्या? तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे मामा की बेटी से प्यार करे? रुक जा साहब, छोड़ दो छोड़ दो, मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। कहां से आए हो, कौन से समाज के हो पता नहीं। एक एक परिवार अलग अलग कारणों से बिना नौकरी के, बिना खाने के, बिना घर के, बिना आश्रय के। तुम्हारे पास नहीं था तो मेरे गांव में रहने की इजाजत दी, रहने को दिया, खाने को दिया, जीने के लिए रास्ता दिखाया मैंने। इस गांव में रख कर तुम्हें इस गांव का आदमी बनाकर रखा मैंने, और तुम इस सीताराम के घर में ही डाका डाल रहे हो। हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम अपने परिवार को लेकर के इस गाँव को छोड़ कर चले जाओ। अगर आपको गुस्सा आया है तो मारिए, गाली दीजिए, पर गांव छोड़कर जाने के लिए मत। तुम जैसे नमक हराम लोगों ने यहाँ रहने का हक खो दिया है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ, निकलो। नहीं साहब, आपको धोखा देने वाले लोग नहीं हैं हम, ऐसे जाने को कहेंगे तो कहाँ जाएंगे। एक बार हमें माफ कर दीजिए, एक बार। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। हाँ निकल जाओ यहाँ से। माफ कर दो साहब, हम मरते दम तक इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे। क्या बोला? प्यार करने वाली तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा है, अगर आपको कोई भी सजा देनी है तो उन्हें दीजिए, हम दोनों को इस गांव से क्यों निकाल रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत की तू ऐसी बात करेगा? ए, कोई ता दे। नहीं साहब। विजय, मैं विजय से प्यार करती हूँ, उसको मारने से पहले मुझे मारना होगा आपको। नरसिम्हा, इतने लोगों के सामने हिम्मत दिखाकर चिल्लाकर कह रही है तो दोबारा इससे क्यों पूछ रहा है? मेरी इज्जत को मार के और अपने प्यार के बारे में मुझसे बता रही है, तभी मेरी नजर में मर गई।
सीताराम नाम नहीं है, इज्जत है। अगर आप लोग मेरी इज्जत करते हो तो, मैं अगर आप लोगों का अभिमान हो तो, आप लोग इससे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। इन दोनों को इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ये सीताराम की जबान है, समझ गए? निकल, चलो अंदर चलो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस तरह घर से निकाल देंगे, मैंने सोचा नहीं था। प्यार करने वाले हर एक को आखिरी में इसी हालत का सामना करना पड़ता है। वैसे भी बच्चों के पैदा होते ही प्यार से परिचय कराने वाले पेरेंट्स ही होते हैं, पर उसी प्यार को हम दूसरे से बांटते हैं तो गुनाह है ये कहते हैं। कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा साथ ही काफी है। बस कुछ दिनों की बात है देवकी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए। नहीं विजय, प्यार करना गलत नहीं है। पापा को समझाने की कोशिश करेंगे। पापा चाहते थे मैं पढ़ूं, तो मुझे उन्हें और अच्छे से पढ़ के दिखाना है। भले ही हमें निकाल दिया हो, हमारे गांव के लोगों को हम एक आदर्श बन के दिखाएंगे। जी रहे जिंदगी में एक नयापन दिखाएंगे। किसी ना किसी दिन पापा और हमारे गांव के लोगों को हमें समझ के अपने पास बुलाना ही होगा। तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, पर हम अपने गांव में ही रहेंगे। तुम ये सब क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा देवकी। जीना कहीं भी जी सकते हैं, पर प्यार करके गलती कर दी है। हम दूर जाने को कहने वाले लोगों के सामने ही हमें जी कर दिखाना होगा। मैं मर जाऊंगी पर इस गाँव से दूर नहीं जाऊंगी। तुम चाहती हो कि हम यहाँ पर रहें, पर वो लोग तुम्हें गांव में देखना भी नहीं चाहते हैं। तुमने अगर यहाँ पे रहने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें जान से मार देंगे। मर जाएंगे, हमारे गांव में ही मर जाएंगे। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। ठीक है तो हम यहीं रहेंगे। क्या हुआ यार? हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं भैया, इसके घर वालों को पता चल गया और उन्होंने इसे घर से निकाल दिया। भैया देवकी चाहती है कि हम इसी गांव में रहें, पर हम कहां जाएं समझ में नहीं आ रहा। अगर हम वापस वहां जाएंगे तो वो लोग हमें जान से मार देंगे। क्या आप हमारी कुछ हेल्प करोगे? अब मैं क्या कर सकता हूँ? कैसे भी करके हमारी हेल्प कर दो। तुम्हारे बड़ों ने मना किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक आइडिया है, हमारे गाँव में गवर्नमेंट की एक जमीन है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुझे परवाह नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 15 साल पहले हमारे देवरकोंडा गांव के साथ आस पड़ोस के कई गांवों को पीने के लिए पानी ना होने से संकट हो गया था। हमारे देवरकोंडा गांव में गांव के आखिर में एक बड़ा पानी का कुआं खुदवाया गया था। उसके बाद सारे गांव के लोग यहां से पानी ले जाकर अपनी सारी जरूरतों को पूरा किया करते थे। कुछ सालों में पानी का बंटवारा ज्यादा हुआ तो उसी कुएं के पास पानी के लिए लोगों का झगड़ा हुआ और लोगों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया। इससे लोगों की जान चली गई। ये बात सरकार को जब पता चली तो वो कुआं किसी को ना मिले इसलिए उसे पूरी तरह से बंद करके फेंस लगा दिए गए। देवकी चलो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुएं के पास लगे फेंस को हम उखाड़ देंगे। बाहर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे आप संभाल लेना भैया, और वहाँ की प्रॉब्लम को मैं संभाल लूंगा। चलो देवकी। Yeah.
तेरे इतने हिम्मत के बंद कुएं को खोलने की कोशिश कर रहा है? साहब ने तुझे गांव से बाहर जाने के लिए बोला ना, तो यहाँ क्या कर रहा है तू? देवकी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ, जो आगे आएगा वो बचेगा नहीं। सुन लो, आज के बाद ये देवर कोंडा सिर्फ विजय का अड्डा है। यहाँ पर मैं रहूंगा, यही जीऊंगा और यही मरूंगा। आज से ये मेरा है। साहब, साहब। क्या है, क्या हुआ? वो विजय ने पानी के कुएं के पास जाके सबको बहुत मारा साहब। वहाँ कोई आएगा तो उसे मार देगा, ऐसा उसने कहा है। उसकी वजह से समाज में मेरी इज्जत चली गई और अब मेरा सुकून भी जा रहा है। और अब गांव के लोगों की शांति को भी छीन रहा है। नहीं है, किसी को भी शांति नहीं है। छे, छे। ये सर्टिफिकेट उन्हें दे दो। अब आपकी शादी हो गई है, किसी मंदिर में जाकर मंगलसूत्र बांध दो। चलता हूँ सर। बहुत से परिवारों को गांव में ला करके आसरा देने वाले उस महान इंसान की बेटी के लिए ऐसा करना पड़ेगा ये सोचा नहीं था। प्यार के जरिए एक हुआ तुम्हारा दिल, शादी के बंधन से हमेशा के लिए एक हो गया है। इस बंधन को और प्यार को हमेशा बचा के रखना। बड़े घर की बेटी है, फिर भी तुम पर भरोसा करके तुम्हारे पास आई है, इसे पलकों पर बिठा के रखना। ठीक है भैया। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना, इसका ध्यान रखना। जी ठीक है भैया। अब तुम लोग जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अपना ध्यान रखना। दोनों इंसान, दो हार, चार दस्तखत, पांच मिनट का समय। शादी यही होती है क्या? अब से यही हमारी दुनिया है देवकी, अच्छी है ना? देवकी बोलिए। अब तो हमारी शादी हो गई है। हाँ, तो फिर वो कार्यक्रम भी पूरा करके बैलेंस क्लियर कर देते हैं। वो क्या है? हमारी फर्स्ट नाइट बेबी। ओ, वो क्या? ठीक है, करते हैं। यस। ठीक है, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? दो मिनट रुक जाओ ना देवकी, टाइम हो रहा है ना। तुम्हें छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है। लाइफ में और बहुत दिन हैं, तब भी यही फीलिंग होनी चाहिए, रहेंगी ना? क्यों नहीं होगी, मेरी फीलिंग बिल्कुल सच्ची है। ठीक है, बाय, मैं चलती हूँ। शाम को जल्दी आके पिक करना मुझे। ठीक है, बाय बाय। अरे भाई, देवकी। गले में मंगलसूत्र, पैरों में पायल, होठों पे लाली, ये क्या है यार? अब तो एकदम बदल गई है ये। रिफ्रेश होके आई हो तो फ्रेश कर देता हूँ तुम्हें। यही तेरे लिए लास्ट एंड फाइनल है, जाबे। सुनिए ना, सुनिए,
बस 5 मिनट में निकल जाऊंगा, बैठिए ना। हाँ वैसे तुझे बड़े साहब ने गांव में आने से मना किया था ना, फिर भी आ गया, बड़ा बेशरम है। दोबारा इस गांव के लोगों को अपने ऑटो में बिठाने की हिम्मत मत करना और गांव की तरफ तो बिल्कुल मत आना, वरना बता दूंगा तुझे भी। पापा कम से कम आप दोनों तो बैठ जाओ, आओ। चलो चुपचाप चलो यहाँ से, हम भी देवरकोंडा के लोग ही हैं, बड़े साहब का दुश्मन हमारा भी दुश्मन है। ए, चलो छोटू। मुझे माफ करना भाई, क्या भाई आजकल कुछ ज्यादा ही पीने लगे हो, तुम्हारे मामा की बेटी चली गई है इसीलिए। ए, भाई ने पी रखी है तो क्या, इस गांव पर, इस पूरे गांव पर उनके मामा का वर्चस्व है, समझ गए? पर उस विजय ने गांव के किनारे रहने का इंतजाम कर दिया है, तुम्हें उसका कुछ ना कुछ करना होगा। भाई टपका दे क्या भाई? तुझे टपका दूं? हर चीज का टाइम होता है। जब से आए हैं बहुत डल हो गए हो, कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है विजय? गांव में कोई भी मेरी ऑटो में बैठ नहीं रहा है देवकी, यहां तक कि माँ और बाबूजी भी नहीं। सब कह रहे हैं कि दोबारा गांव में आना भी मत। कल से मैं क्या करूंगा, बस यही सोच रहा हूं। गांव से हमें निकाल देने वाले हमारी ऑटो में क्यों बैठेंगे बताओ? वैसे भी उनका दिल इतना बड़ा होता तो हम यहाँ क्यों रहते बताओ? वैसे भी हमें निकाला है उस गांव ने, भगवान ने नहीं, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, दुखी मत हो। जब पिछली बार हम यहाँ आए थे तो इसने खातिरदारी ठीक से नहीं की, इस बार हमें दिखाना होगा कि हम कौन है। मतलब चलो उसके सामने हमें कपड़े निकालने होंगे जीजू। अरे अरे वो काम मत करना, उसकी जान निकल जाएगी। क्यों करनम जी और उनके सालों का भोजन पर आने का समय हो गया ना, सब तैयार है क्या? अरे हाँ हाँ सब कुछ तैयार हो गया है। वैसे मैं भूल गया था, वो देसी मुर्गी की करी में छिपकली का क्या किया? अरे आप जोर से चिल्लाओ मत, उसी में मिला दिया। उसी में मिला दिया क्या? अगर वो खा लेगा तो पता है क्या होगा? अरे आप इतना सुनकर शौक क्यों हो रहे हो, वो भी तो नॉन वेज ही है ना। मछली की करी तो अच्छी बनाई होगी ना, वो परोस देना। अब क्या हुआ? मछली की करी में चूहा गिर गया जी। कुछ भी ठीक से नहीं बनाते क्या? खा लेते हैं ना बाबा, ये खाना खाएंगे तो खाते ही मर जाएंगे। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, ये बात तो उन्हें पता ही नहीं है ना, ऐसे ही परोस देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो देख लेंगे। हे, चुप कर, पाप लगेगा। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, आप चुप रहिए। अब मैं क्या करूं? रात को इसलिए नहीं खाया कि ये लोग ने दावत दी थी, ये तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। भूख लगी है, एक बार खा लेते हैं ना। अरे खाओगे तो मर जाओगे, वो अमृत नहीं है। लग रहा है भूख से मर जाएंगे जीजू। जो कह रहा हूँ सुनो, थोड़ा धीरज रखो दोनों। आइए आइए करनम जी, आपका इंतजार कर रहे थे। अरे जल्दीबाजी मत करो, तू और तेरी खातिरदारी, हम खाने के लिए नहीं आए हैं, आज उपवास है, ये बताने के लिए आए हैं। आपने उपवास रखा है? कभी कभी समाज के कल्याण के लिए उपवास जरूरी है। ओए थोड़ी देर और रुकेंगे ना तो कुछ न कुछ खाने को दे देगा, चलो यहाँ से। देखो अगली बार जब खाने के लिए बुलाना तो आप मत मनाना, आप सब सामान तैयार रखना, हम लोग आकर खाना खुद बना लेंगे, आपकी संतुष्टि के लिए खाना खा के जाएंगे। ओके चलता हूँ। नमस्ते साहब। गोपाल तुम यहाँ? आप यहाँ कैसे? वो मैं खेतों के लिए दवाइयाँ लेने आया था।
सुबह्या। अरे मेम साहब, तुम यहाँ कैसे? साहब वहाँ पर हैं। तुम आजकल मेरे घर की तरफ नहीं आ रहे हो? थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पा रहा था, अगले हफ्ते आऊंगा। ठीक है। कौन है तेरा पापा? कौन से संबंध के कारण तुम मुझे बुला रही है? राह चलते लोगों को पिता बनाने के लिए मैं कोई अरा गहरा आदमी नहीं हूँ। दोबारा तुम्हारे मुंह से अगर ये शब्द सुना तो मैं क्या करूंगा मुझे पता नहीं। गाड़ी निकालो सुबैया। बस 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 यही रुको। सर नमस्ते। नमस्कार। यही है सर, देवरकुंडा का लड़का। सुना है आपको ऑटो चाहिए? हाँ चाहिए। रोज 20 मजदूरों को सुबह ले आना है और शाम को छोड़ने जाना है। काम सालों भर रहेगा, चलेगा ना? ठीक है सर। ये एडवांस रख लो, बाकी की बातें इनसे कर लेना। थैंक यू सर। चलो वहाँ पर कुछ मजदूर हैं, उन्हें ले जाओ, छोड़कर आ जाओ। जी ठीक है, चलते जाओ। चलो दिखाता हूँ। सुनो, सामने जितने मटेरियल बिक रहे हैं ना, उसको समेटवा देना। ठीक है सर। उसके बाद ही उनको घर जाने देना। ठीक है। देवकी, देवकी। क्यों, आज पतिदेव बहुत खुश दिख रहे हैं। खुशी की बात यह है कि अब मुझे अच्छा? काम मिल गया है देवकी। पूरे साल भर का प्रोजेक्ट है, महीने के 40,000 रुपए मिलेंगे मुझे। मैंने कहा था ना, हमारे साथ सब अच्छा होगा, देखा? ये देखो, तुमने जो सामान मंगवाया था मैं सारा ले आया हूँ। वो क्या है, छुपा रहे हो? ये तुम्हारे पसंदीदा मोगरे के फूल है। आराम से हो।
सिस्टर बोलिए। इनको चोट लगी है सिस्टर। अच्छा आपका नाम? देवकी। मेरे साथ चलिए। आ जाओ डॉक्टर, ये लीजिए। ज्यादा चोट नहीं आई है, बस 3 दिन में ठीक हो जाएगी। थोड़े मेडिसिंस लिख रहा हूँ, वो देते रहिएगा टाइम टाइम पर। ठीक है डॉक्टर, अब आप जा सकते हैं। मैडम मुझे थोड़ा अनइजी लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं और वॉमिटिंग भी हो रही है। ठीक है मैं चेक करती हूँ। पीरियड्स कब से नहीं हुआ है? 2 महीने से डॉक्टर। 2 महीने? तुम प्रेग्नेंट हो? सच में? नेक्स्ट टाइम आपको डॉक्टर पद्मावती जी से मिलना है। ठीक है सर, बाय डॉक्टर। माँ, माँ, देवकी, मेरी बच्ची देवकी। देवकी कितने दिन बीत गए तुझे देखे हुए। पास में ही रहती है पर मेरा नसीब इतना खराब है कि तेरा चेहरा ही नहीं देख पाती। पता नहीं कौन सा पाप किया है। माँ पापा बाहर गए हुए हैं। माँ मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने बेटा। वसुंधरा, किसने इस पनौती को अंधेरा ने दिया? तुमने क्या सोच करके इसे बुलाया कि मैं मर गया हूँ? कैसी भी है पर हमारी बेटी। रिश्ता जोड़ने की कोशिश करोगी तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बीवी हो। मैंने उसी दिन इसे अपने घर से निकाल दिया था ना, फिर क्या मुंह लेकर के ये यहाँ आई है? हमारी बेटी माँ बनने वाली है। छी छी, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं तो क्या वो कोई बड़ी बात है क्या? इज्जत से इंसान जिंदगी जीता है। पहले इसे बाहर जाने को कहो वरना मैं खुद इसे धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। पापा मेरी बात तो सुनिए। छी, चलो अंदर चलो, यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? देवकी रो मत। देवकी खुशी हो या गम हो उसे बांटने के लिए हमारे पास हमारे अलावा और कोई नहीं है। देवकी कोई हमारी मदद करेगा इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और तुम तो अपने पापा के बर्ताव से अच्छी तरह से वाकिफ भी हो ना। सच कहूं तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था देवकी। अब चुप हो जाओ ना देवकी। कुछ महसूस हुआ? जानती हो हमारा बच्चा भी बिल्कुल चुप है क्योंकि तुम रो रही हो, सिर्फ इसलिए। तुम बैठ जाओ। नहीं कोई बात नहीं। अब से तुम कॉलेज ना आओ, यही सबके लिए अच्छा होगा। मैंने क्या किया है? गलत तरीके से बात करने वाले ये लोग हैं। मैं सही गलत के बारे में बात नहीं कर रही। पढ़ाई तुम्हें कितनी पसंद है, तुम कितनी होशियार बच्ची हो मुझे पता है, पर एक स्टूडेंट के तौर पर कॉलेज आने वाली लड़की प्रेग्नेंट होकर क्लासरूम में बैठेगी तो बाकी स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा इसका? हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल होगा पर बात वो नहीं है मैडम प्लीज। पर हर दिन तुम्हें ये सब झेलना ना पड़े इसीलिए कह रही हूँ। अगर हो सके तो घर में बैठकर तैयारी करो, एग्जाम्स मैं लिखवा दूंगी।
उम्मीद है कि तुम समझ जाओगी। सॉरी देवकी। कॉलेज नहीं जा पाओगी इस बात से दुखी हो क्या? तब गांव से अभी कॉलेज से मैंने क्या किया है? पापा की इच्छा थी कि मैं बहुत पढ़ूं, इसे पूरा नहीं कर पाऊंगी मैं। बस इसी बात का डर लग रहा है मुझे विजय। तुम्हें पढ़ने से कौन मना कर रहा है? और जब तुमने पढ़ाई करने का मन ही बना लिया है तो फिर कॉलेज हो या घर हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके? मीन साहब, ये क्या आप यहाँ क्यों आई हैं? एक बार पापा को देखने के लिए आई हूँ मैं। साहब अब यहाँ नहीं आते मैम साहब। क्यों? जिस दिन ना आप उस घर से चली गई मैम साहब, तब से इस जमीन से उन्होंने सारा नाता तोड़ दिया अपना। अब ये जमीन हमारी नहीं है, अब बस ये एक बंजर जमीन है। अब पहले जैसा यहाँ कुछ नहीं रहा मैम साहब। मेरी बात मानिए, आप यहाँ से चली जाइए, चली जाइए मैम साहब। देवकी? हाँ? चलो अंदर चलते हैं। यहां आराम से बैठ जाओ। सुनो, अब से सारे काम मैं करूंगा, जैसे कि चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना और तुम्हें खाना खिलाना, और उसके बाद तुम्हें नहलाना भी, ठीक है? तो तैयार हो जाओ। मैं खिलाता हूँ तुम्हें।
अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आजकल तुम्हें खांसी बहुत आ रही है ना? हाँ ना। रात को और ज्यादा होता है, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही, पेट में भी ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा यही होगा कि हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। हाँ ठीक है। हाथ में बैग कैसा? घर का सामान सब खत्म हो गया है, वैसे भी हम टाउन जा ही रहे हैं, आते वक्त सामान ले आएंगे, इसीलिए ले आ रही हूँ। ठीक है। पैसे रख लिए ना? हाँ ले लिया। चलो आराम से आराम से। सर बाहर जाकर इनके पति को भेजिए। ठीक है सर। सर आपने जो रिपोर्ट करवाई है जरा दीजिए। हाँ ये लीजिए। मैंने सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, कब क्यों आ रहा है ये मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा। स्टमक में जिस तरह से बच्चा बड़ा होना चाहिए वैसे बड़ा नहीं हो रहा। आमतौर पर पौष्टिक आहार ठीक से ना खाने के कारण माँ वीक होती है और ऐसा होता भी है। आपके विषय में सब करेक्ट होते हुए भी क्यों ऐसा हो रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा यही होगा कि कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर। ये टेस्ट करवाने में खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा, ये टेस्ट यहाँ होते नहीं, बाहर डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर करवाना होगा। जी जितनी जल्दी टेस्ट करवाओगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है डॉक्टर। चलते हैं डॉक्टर। ठीक है बेटी जा। तुम यहां पर बैठ जाओ। ये टेस्ट करवाने हैं, कितना खर्चा होगा? 45,000 होंगे सर। ये तो बहुत महंगा है। हाँ। एक मिनट। हाँ देवकी तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो देना। सर ये पैसे हैं, ब्लड सैंपल्स ले लीजिए, मैं बाकी पैसे का इंतजाम करके आता हूँ सर। ठीक है जाइए। ओके सर। तुम ब्लड सैंपल्स दे देना, मैं गोपाल भैया से मिलकर आता हूँ। ठीक है ठीक है। ओके Thank you.
भैया आपको कुछ करना होगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तुम बिल्कुल अभी संभाल लीजिए बस। डॉक्टर से बात करता हूँ मैं। कैसी हो बेटी? अच्छी हो। बैठो बैठो बैठ जाओ। चाची कैसी हैं चाचा जी? वो अच्छी हैं। बस एक मिनट। हाँ सुनो, ये मेरा आईडी कार्ड है, मैं बाकी का अमाउंट कल दे देता हूँ। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, आ जाओ बेटी, आराम से आ जाओ। देवकी तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं जाके मजदूरों को छोड़कर आता हूँ और घर का बाकी सामान भी लेकर आ जाऊंगा। जल्दी आ जाइएगा, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक घंटे में आ जाऊंगा ना। ठीक है। ये क्या, अब तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ होगा? हेमा बहुत भूख लग रही है। कौन है? बेटी देवकी, तू यहाँ क्या कर रही है? भूख लग रही है माँ। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है मेरी बेटी पर। तो रुक जा बेटी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। शर्म नहीं आ रही है तुझे? खाना मांगने के लिए चली आई, इसे कोई धर्मशाला समझ रखा है? ये पेट से है जी, भूख लगी है इसे, एक निवाला खाने देंगे तो क्या जाएगा हमारा? रास्ते पर रहने वालों को खाना दोगी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, और ऐसे लोगों को पानी भी दोगी ना तो पाप मिलेगा तुम्हें। खुद की बेटी मत समझिए, पर कम से कम भिखारी समझकर तो एक निवाला दे दीजिए। चुप कर, भूख लग रही है पापा। चुप कर, एक पल के लिए भी मेरे सामने खड़ी रही ना तो मैं क्या करूंगा मुझे पता नहीं। चलो जाओ यहाँ से। आपकी बेटी माँ बनने वाली है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है और आप उसे एक निवाला खाना नहीं दे सकते। अब और कितने पाप करेंगे आप? किसने पाप किया और कौन भुगत रहा है? गलत किया है तो भुगत रही है, अनुभव कर रही है, करना दो अनुभव। तुम अंदर चलो। खाने के लिए कुछ लेकर आए हैं क्या? आपसे ही पूछ रही हूँ, खाने के लिए कुछ लाए हैं क्या? बस भी करो, जब देखो ये नहीं लाए वो नहीं लाए, दिमाग खाती रहती हो मेरा। क्यों, एक दिन खाओगी नहीं तो मर जाओगी क्या? छे, क्या जिंदगी है ये, पहले सब कुछ ठीक था अब सब खराब हो गया है। मतलब इतने दुख मेरे कारण ही आए हैं क्या?
नहीं, कारण मैं हूँ। अब तो खुश हो? तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? मैं अपने घर में रानी की तरह जीती थी। यहाँ एक वक्त के खाने के लिए भी भीख मांगना पड़ता है। ऑटो वाले के साथ जिंदगी ऐसी ही होती है, दुख भी मिलेगा और आंसू भी मिलेंगे। मैं पेट से हूँ, भूख लग रही है, ये कहा है? तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास पैसे नहीं, धक्का मार के ऑटो ला रहा हूँ। मर जाऊं क्या अब? हाँ? नहीं, मैं खुद ही मर जाऊंगी। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं भी जिंदा हूं देवकी। मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। I love you. कुछ खाया है क्या? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। रुको रुको, तुमने खाना खाया? ये खाना कहाँ से आया देवकी? सुनो भाई, येलो डीजल। सुनो भाई, मैंने तुम्हें रात को ऑटो को धक्का मार कर आते हुए देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। एक फ्रेंड होकर मैंने भी औरों की तरह सोचा। सॉरी भाई। कोई बात नहीं यार, सॉरी की क्या बात है इसमें? गांव के लोग भले ही मुझसे बात नहीं कर रहे, पर तूने तो सोचा। ठीक है भाई, चलता हूं मैं।
ऑटो को क्या हुआ? अरे वो मैं बाद में बताऊंगा तुमको इस बारे में। जो एक सहारा था वो भी चला गया, अब क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, तुम बस जल्दी से अच्छी हो जाओ। अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। तीन साल पहले तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा था तुम्हें पता? कोई आइडिया है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी पिछली हेल्थ कंडीशन के बारे में जानना होगा। खांसी, सांस लेने में मुश्किल होना, खांसी ज्यादा होना, ऐसा होता है क्या? डॉक्टर, दिल में दर्द भी होता है, रात को खांसी ज्यादा होती है, जान चली जाएगी ऐसा लगता है डॉक्टर, कभी कभी ब्लड भी आता है। अभी तो खाना भी खाने का मन नहीं करता है। सिस्टर, वो जरा हनी की बोतल लेके। सर। अपनी जीभ बाहर निकालो। टेस्ट कैसा लग रहा है? टेस्ट पता नहीं चल रहा है डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रॉब्लम के बारे में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं, एक बार चलकर उन्हें दिखाते हैं। ठीक है डॉक्टर, चलो। सर, मैंने जो सीओपीडी पेशेंट के बारे में बताया था, देवकी। बैठिए। रिपोर्ट सर। अब कैसी तबीयत है? ठीक है सर। आपके घर में कोई टीबी पेशेंट है क्या? नहीं सर। आपके घर में कोई सिगरेट पीता है? मेरे पापा पीते हैं डॉक्टर। अच्छा, कब से वो सिगरेट पी रहे हैं? मेरे बचपन से ही पी रहे हैं सर। आपके पति क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। वो भी सिगरेट पीते हैं क्या? हाँ डॉक्टर। इस सिगरेट नाम की बुराई के कारण आज तुम्हारी ये स्थिति है। सिगरेट के धुएं की वजह से सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मरी डिजीज हुई है तुमको। उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसकी भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अगर शॉर्ट में कहूं तो तुम्हारे लंग्स खराब हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं जो कह रहा हूं वो सच है। एक आदमी जब सिगरेट पीता है तो उसके आसपास के लोग भी धुआं खींचते हैं, उन्हें ही ये बीमारी होती है। बचपन से तुम्हारे पिता के पास, उसके बाद तुम्हारे पति के पास, तुमने अनजाने में धुआं अंदर ले लिया। दूसरे शब्दों में कहूं तो तुम पर यह स्थिति आने के लिए वो दोनों ही जिम्मेदार हैं। डॉक्टर, मेरी एक मदद करेंगे क्या? बोलो बेटा। ये बीमारी मेरे पति के कारण से मुझे हुई है। मेरे पति को बताना मत। क्या बात कर रही हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, बीमारी किस कारण हुई है ये बताना मेरा फर्ज है। प्लीज डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर। अरे ये सब क्या है? आपके पैर पड़ती हूँ डॉक्टर, मेरे पति को बचाने के लिए। इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है। तुमको
मुझे कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं डॉक्टर, वो जिंदा रहना चाहिए, मेरे आंखों के सामने रहने चाहिए। ठीक है बेटा, पहले तुम बैठ जाओ। देखो अब ये रोना बंद करो, तुम्हारी जो बीपी की कंडीशन है उसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता, प्लीज कंट्रोल। सिस्टर इनके हस्बैंड को बुलाइए। यस सर। देखो विजय, तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, वो रेयर होने वाले सीओपीडी नाम की बीमारी से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, अभी फाइनल स्टेज में है, नॉर्मल हालत में लाने के लिए 10 से 15 लाख का खर्चा होगा, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, पूरी तरह डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा, तुम जल्दी से अमाउंट अरेंज करो, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अरे बाहर निकलो, दो जोड़ी कपड़ों के साथ हमें भगा दिया था, आज हम दोनों मर रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे रे यहाँ पर, क्या हुआ विजय तुझे? अरे प्रेसिडेंट जी, आज तो खुश हो गए ना तुम? क्यों ऐसी बात क्यों कर रहा है? क्यों, गांव से जिसे निकाल दिया था वो यहाँ आके क्या कर रहा है यही सोच रहे हो? क्या है ये सब, क्या पाप किया था हमने? मैं इस गाँव में पैदा हुआ, तुम्हारे बीच खेल कूद कर बड़ा हुआ। अरे पीके हल्ला क्यों कर रहा है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? तुम सब तो मेरे अपने थे ना, और आज मैं कहीं का नहीं रह गया भाई। ऐसे शराब क्यों पी रहा है? बेटा मेरी बीवी बहुत बीमार है। क्या हुआ विजय? मेरी बीवी बहुत बीमार है पापा, वो बच नहीं पाएगी, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। मैंने उसके इलाज के लिए सब कुछ किया। अरे करनाम जी, गलती मैंने की थी, उसकी सजा मेरी पत्नी को क्यों मिल रही है? उसे बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे ठीक है ठीक है, पहले तू दारू पीना बंद कर। अरे उठ उठ उठ, कुछ करते हैं, रो मत। हे ईश्वर, अरे पहले उसे रोको। अरे विजय, अरे कोई रोको इसे, पता नहीं कहाँ जा रहा है। सुनिए करनम जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, इस समस्या का हल आप ही निकालिए। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, रुक जाइए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। करनम जी, गांव के बड़े होने के नाते गांव में रहने वाले सारे बच्चे हमारे बच्चों की तरह हैं, अपने बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी हम पर है, हम जल्दी से बड़े साहब से मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे, क्या कहते हैं गोपाल? हाँ। रोइए मत, मैं जाके बात करता हूँ। चलिए चलिए माँ जी। मिनट में डॉक्टर आ जाएंगे देवकी।
डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट है। ठीक है, वेट कीजिए। आखिर बात क्या? बैठो बेटी, बैठो बैठो। ठीक है, मेरे साथ आइए। सब क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए पापा। तुझे कुछ नहीं होगा बेटी। हिम्मत रखो बेटी, आपको देखे बिना ही मर जाऊंगी ऐसा लगा था पापा। ऐसी बात बोल बेटी, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे बेटी, कैसे जिएंगे? इससे बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे तुझे, जितना भी खर्चा हो जाए कोई परवाह नहीं है बेटी। मुझे मेरे बच्चे को देखना है पापा। अरे तुम्हारे लिए हम सब हैं, तुम 100 साल तक जियोगी बेटा। अरे माफ कर दीजिए। उठो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवकी मैम साहब, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। ये हैं सीताराम जी, देवकी के पिता। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। मेरी बेटी डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, किसी भी तरह से बचा लीजिए डॉक्टर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ डॉक्टर। कंट्रोल योरसेल्फ डॉक्टर, आप जाके उसे देखिए। ओके सर। आप सबको एक बात बतानी है, आपकी बेटी ने मेरे पैर पकड़ के मुझसे वादा लिया था, लेकिन अभी भी अगर मैं वो बात आपको नहीं बताऊंगा तो मैं अपने डॉक्टर होने के धर्म से बहुत बड़ा धोखा करूंगा। आज जो ये लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही है उसका कारण आप हैं। दूसरा कारण है उसका पति। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आप सब उसके अगल बगल सिगरेट पीते थे। आपके सिगरेट पीने की वजह से जो भी आपके आसपास होगा वो भी धुआं खींचेगा और उसकी तबीयत खराब होगी। आसपास के लोगों का स्वास्थ्य 90% खराब होता है। सेकेंड हैंड स्मोकर बनने की वजह से आपकी बेटी इस खतरे में आ गई है। किस्मत इतनी अजीब है कि आपसे दूर हुई तो मौत से बची, लेकिन फिर पति के रूप में मौत उसके सिर पर नाचने लगी। जब तक ऐसा खतरा सर पर ना आ जाए आप लोग बदलोगे नहीं। आप ही नहीं, पूरा समाज ही ऐसा बन गया है। ये बीमारी जेनेटिक तौर से आती है, आपकी बेटी को उसी तरह मिली है। उसके पेट में जो बच्चा है उसका बढ़ना भी रुक गया है, पेशेंट के मरने की संभावना है। एक चीज याद रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा, पूरा गांव स्वस्थ रहेगा और फिर समाज स्वस्थ होगा। समाज में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। हमें खुद एहसास करके खुद को संभालना चाहिए। डॉक्टर, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कमिंग, प्लीज कम। कर मेरी बेटी का क्या होगा? आप टेंशन मत लीजिए। सुनिए हमारी देवकी, मेरी बेटी ठीक है? मेरी बेटी ठीक तो है ना डॉक्टर, बोलिए ना।
क्या हो गया डॉक्टर? ये क्या हो गया बेटी? देवकी कैसा न्याय है ये विधाता, कैसे तूने ये कर डाला? क्या हुआ है हमसे, पाप क्यों रूठे हमसे आप? क्या करें हम, किसे कोसे हम, कहाँ जाएं अब हम? कोई राह ना, कोई पास ना, किसको अपना कहे? कैसा न्याय है ये विधाता, कैसे तूने ये कर डाला? क्या हुआ है हमसे, पाप क्यों रूठे हमसे आप? कैसे बोलूं कोई ये कह दे दिल मेरा अब माने ना, मैं हूँ अधर में अब तो शहर में, रो अब मन में तू सुन लेना, सुन ले जानिया, अब कुछ भी कहूँ प्यार का साक्षी था, अब क्यों तू बोले ना? कर मिले तन्हा हम अब है ये गम, काश कहीं से तू आ मिले, कोई भी ये अब ना सुने, हम रोएंगे तेरी याद में, तू क्यों ऐसे चली गई से? हाँ क्या करें हम, किसे कोसे हम, कहाँ जाएं अब हम? कोई राह ना, कोई पास ना, किसको अपना कहे? जला तुझको हम कैसे दे, मेरा मन नहीं माने ये, अब तुझको कहाँ ढूंढे, क्यों बिछड़ गई तुम मुझसे? तू ही जान थी, तू ही शान थी, कैसे तुझे पुकारूं? तू ही शाम थी, तू ही रात थी, कैसे तुझे भूलूं? आपके पैर पड़ती हूँ डॉक्टर, मेरे पति को बचाने के लिए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। कैसा न्याय है ये विधाता, क्या है तूने ये कर डाला? क्या हुआ है हमसे, पाप क्यों रूठे हमसे? मेरी देवकी के बिना ये जिंदगी, ये लोग, ये दुनिया किसी काम की नहीं रह गई। मेरा प्यार करना ही उसकी जान ले लेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था मैंने। मेरी देवकी ने मरते हुए भी अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए सच्चाई को छुपा के रखा। कितनी महान थी वो, मैं जानता हूं कि मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। उसकी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमारी प्रेम कहानी सदियों तक याद की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने प्यार का
सारी जिंदगी साथ निभाएंगे। बस इतनी सी थी देवर कोंडा विजय की प्रेम कहानी।